नमस्कार, स्वागत है आपका NI 24x7 न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुमाइला। आज हम बात करने जा रहे हैं फास्ट फूड की, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, मगर हम बाज़ार में मार्केट में ज़्यादातर फास्ट फूड को खाना पसंद करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो फास्ट फूड को ही पसंद करते हैं। जैसे कि हम रास्ते में, अगर हमें किसी के साथ मीटिंग करनी है, कुछ भी बाहर रहते हैं हम लोग मीटिंग करने के लिए, कुछ और नहीं सोचता, मैकडी, डोमिनोज़ वगैरह, KFC वगैरह को हम लोग ज़्यादातर अपनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। फास्ट फूड हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देता है अंदर ही अंदर, और हमारी ज़ुबान को भी जो इसका टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लुभाता है। और अगर हम फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारा शरीर भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, मगर फास्ट फूड से हम लोगों का पेट भी भर जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड को अपनाते हैं। अगर फास्ट फूड छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो ख्याल मन में ऐसा आता है कि जैसे कि हम लोग सिगरेट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे सिगरेट से दूरी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। फास्ट फूड का भी स्वाद कुछ इस तरह से ही हमारी ज़ुबान को लुभाने लगता है। जैसे ही हम फास्ट फूड छोड़ने के बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे जैसे ही छोड़ते हैं हम फास्ट फूड, सिगरेट छोड़ने वाली फील तो आती है, हमारा मूड बदलने लगता है, नींद कम आने ऐसी वजह सामने आती है, और एक बेचैनी सी लगने लगती है, मतलब कि जो फास्ट फूड की एक तलब सी लगने लगती है, जैसे कि हमने सिगरेट नहीं पी, और उसी तरह से फास्ट फूड की भी तलब लगने लगती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। फास्ट फूड के अंदर फ्लेवर्स का, कलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, और सिर दर्द, डिप्रेशन वगैरह जैसी बीमारी सामने नज़र आने लगती है। फ्लेवर्स और रंगों के अधिक इस्तेमाल होने से हमारे शरीर पे कई तरह की एलर्जी हो जाती है, जिसका इलाज होना भी मुश्किल नहीं, नामुमकिन जैसा बन जाता है। और जो फ्लेवर्स का रंग है अधिक मात्रा में हो जाता है, जो कि हमारे शरीर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और उसका इलाज कराना भी संभव नहीं, असंभव हो जाता है, और जिसके चलते हमारी हड्डियां भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इसमें मसाले का इस्तेमाल होता है, और ये हमारी हड्डियों को भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करता है, क्योंकि इसमें नमक तत्व एक पदार्थ मिलाया जाता है, जो हमारी ज़ुबान को उसका जो स्वाद है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, वो हमारी हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है, और धीरे धीरे हमारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी परेशानियाँ देखने को मिलती है। आजकल यंग जनरेशन के साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा अधिक होने लगी है, क्योंकि यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल कर रही है। फास्ट फूड हमारे शरीर में ज़्यादातर लेने की वजह से मूड ख़राब होता है, और हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट आने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए घातक है। हम लोगों से ठीक से बात नहीं करते, क्योंकि हमें बात करना ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम लोग हेल्दी फूड नहीं ले रहे, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही घातक है। फास्ट फूड का प्रजनन क्षमता पर भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। आजकल वुमेंस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वो डॉक्टर का सहारा अपनाती हैं, और हेल्थ में उनका काफ़ी ज़्यादा इशू होने लगता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है। मगर इसकी एक वजह है अनहेल्दी फूड लेना, क्योंकि हम अनहेल्दी फूड जो ज़्यादातर अधिक यूज़ करते हैं, उससे फेस पर एलर्जी होती है, हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और बाकी चीज़ों में भी हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है, जो कि बहुत घातक है। फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, जो कि हमें मोटापे का सामना करना पड़ता है, इसके चलते हम मोटे तो हो जाते हैं, और मगर हमारा शरीर ख़राब होने लगता है। फास्ट फूड में अधिक रेडिएशन होने के कारण ब्लड प्रेशर की जैसी प्रॉब्लम सामने आती है। फास्ट फूड में अधिक रेडिएशन होने के कारण ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम का हमें सामना ज़्यादातर करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके आप फास्ट फूड से दूरी बना के रखिए, और हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल का इस्तेमाल करिए अपने खाने के अंदर, और हेल्दी खाना खाइए।